दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की ओर से 15 फरवरी 2015 को निकाली जाने वाली विशाल शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में लुधियाना के जनकपुरी में रथ पूजन करवाया गया। इस दौरान दैनिक सवेरा लुधियाना के ब्यूरो प्रमुख नीरज मैंड्रा, योगेश बांसल, शिवराम गुप्ता सहित हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी के सदस्यों ने रथ की पूजा की। इस मौके पर कमेटी के मुख्य सेवादार अश्विनी बहल ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी 15 फरवरी 2015 को विशाल शोभा यात्रा जगराव पुल स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर से आरंभ होगी। इस अवसर पर कांतेंदु शर्मा, सतपाल सगड़, दविंदर बहल, बनवारी हरजाई, दीपक गोयल, रवि चावला, डीसी बांसल, अमन शर्मा, मनोज तायल आदि उपस्थित हुए। ओम लक्ष्मी नारायण, ओम महेश्वराय, विद्याधराय, विकटाय च भावना। अज हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी की रथ की पूजा वास्ते इतने सारे जजमान कट्ठे हुए थे। हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी 15 फरवरी 2015 नूं एक विशाल भव्य रथ यात्रा का आयोजन कर जा रहे ने, जा रही है। सारे लुधियाने के शिव भगतान के अगे बेनती है, उन्होंने चरणों बेनती है कि वह 15 फरवरी को श्री दुर्गा माता मंदिर जगरावां पुल पहुँच के इस भव्य रथ यात्रा के भाग लो और प्रभु शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करो। भोले बाबा की अपार कृपा के नाल हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी दे वल्लों अज हर सोमवार, जिस तरह के पिछले लगातार 3-4 महीनों तो रथ की पूजा करवाई जा रही है, अज की पूजा साडे दैनिक सवेरा दे जिहड़े चीफ ब्यूरो ने लुधियाना दे, उन्होंने ते नाल योगेश बांसल जी ते नाल शिवराम गुप्ता जी, बाकी भी सारे मैंबरां ने इकट्ठे होकर अज इत्थे पूजा करवाई है। 15 फरवरी नूं शिवरात्रि तो 2 दिन पहला हर हर महादेव शिवरात्रि महासव कमेटी वालों एक बहुत वड्डी रथ यात्रा का आयोजन जिहड़ा है भोले बाबा दे आशीर्वाद नाल दुर्गा माता मंदिर जगराओं पुल तो 2 बजे स्टार्ट करनी है यात्रा। और ये यात्रा दुर्गा माता मंदिर तो स्टार्ट हो करके फुहारे वाले चौंक और फुहारे वाले चौंक तो होंदया होया कुमार मंडी, कुमार मंडी तो होंदया होया आरती चौंक, आरती चौंक तो होंदया होया फिरोजपुर रोड के अगे निकलते हुए दुर्गा नव दुर्गा मंदिर सराभा नगर के समापन होएगी। और मैनू सारे मैं सारे शिव भगतों पंजाब के सारे शिव भगतों बेनती करदा कि वह इस यात्रा के अपना वध चढ़ के सहयोग देन, वध चढ़ के भाग लैन और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर।